टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया गया है 18 खिलाड़ियों को, 4 ऑलराउंडर और 6 ओपनर्स को मिला है मौका। किस किस खिलाड़ी ने बनाई है टीम इंडिया में जगह, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बुरी तरह हरा कर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। वहीं अब इंडियन फैंस की निगाहें आने वाले टी20 वर्ल्ड कप की ओर है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 इस बार अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही ICC ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया था। टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए BCCI ने भी अपनी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो BCCI की मैनेजमेंट ने वर्ल्ड कप टीम के लिए 6 ओपनर्स बल्लेबाज को मौका देने जा रही है और इस टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। साथ ही टीम इंडिया में ओपनर की भूमिका भी रोहित शर्मा ही निभाएंगे। वहीं रोहित शर्मा के अलावा 5 और खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, जितेश शर्मा, KL राहुल, तिलक वर्मा भी ओपनर बैट्समैन की भूमिका निभा सकते हैं। तो वहीं हार्दिक पांड्या उप कप्तान नियुक्त होंगे। वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए 18 खिलाड़ियों में सिर्फ 4 ऑलराउंडर प्लेयर्स ही टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। इनमें हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा का नाम शामिल है। वहीं बात करें गेंदबाजी की तो टी20 वर्ल्ड कप में BCCI रवि बिश्नोई, बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और आबेश खान को मौका देने के ऊपर विचार कर सकती है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए संभावित खिलाड़ियों में रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, KL राहुल, ईशान किशन, जितेश शर्मा, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आबेश खान का नाम शामिल है।